भाई मैक्सटन के इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। मीनवाइल सम यूट्यूबर्स टू एल्विश यादव। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो भाई। ये पूरा प्लॉट सुन के अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा प्लॉट किसी और ने नहीं बल्कि एकता कपूर ने लिखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और पिछले दिनों एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा कलेश हुआ जिसके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ जान गई। और अभी मजा आने ही लगा था कि वैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, वैसे मैटर सॉल्व हो गया यार, भाईचारा ऑन टॉप। लेकिन ये लड़ाई जो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुई थी आओ जानते हैं। तो दो कैरेक्टर्स हैं, एक है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? हाँ, भाई प्रमोटेड एल्विश यादव लाइक नो वन कुड, जो कि एक यूट्यूबर है, बिग बॉस OTT का विनर है, और दूसरा है मैक्सटन। तू है कौन रे? इसका असली नाम सागर ठाकुर है, ये भी फुल टाइम यूट्यूबर है। मैटर तब शुरू हुआ जब मैक्सटन ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें एल्विश यादव कुछ बंदों के साथ है और फुल ऑन मारपीट चल रही है, जिसके बाद मैक्सटन ने गुड़गांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की और उसके बाद एक और वीडियो अपलोड की कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ, इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे। फिर एल्विश ने वीडियो अपलोड की और ये बताया, मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूं। भाई ये पूरा प्लॉट सुन के ना मुझे एकदम से चक्कर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पूरा प्लॉट किसी और ने नहीं एकता कपूर ने लिखा है। अब ये मार कुटाई वाला सीन शुरू तब हुआ जब थोड़ी देर पहले ISPL हुआ, जिसमें मुनावर फारूकी और एल्विश यादव की एक साथ कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई। इस पर सबने मजे लेकर मीम्स शेयर किए, जिसमें से एक ये मैक्सटन भी था, जिसके बाद बस इनकी ऑनलाइन बहस जो है वो शुरू हो गई। एल्विश ने रीट्वीट किया ये, और फिर गुत्थम गुत्थी का सिलसिला हुआ शुरू। अब इस लड़ाई को फॉलो कर रहे कुछ लोगों को लग रहा था कि ये बात थोड़ी और आगे जाएगी, थोड़ा और मसाला मिलेगा, कि इतने में ही सीन में एंट्री हुई रजत दलाल की। तू है कौन रे? अरे यार ये वही है जिन्होंने इस मैटर को सॉल्व कराया और कलेश देखने के लिए तैयार बैठे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो इन शॉर्ट लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। तो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिली? दूसरों की लड़ाई के मजे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो लोग कब दोस्त और भाई बंधु बन जाएं, एंड यू विल फील लाइक दिस। बाकी आपका इस फाइट को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।